तो गाइस आज की वीडियो चालू होती है एक शानदार बॉस मैच के साथ, लेकिन ये बॉस कुछ ज़्यादा पावरफुल है नहीं, सिर्फ लेवल 11 का चिलेट है जिसको हम आसानी से हरा सकते हैं अपने रिलैक्स सॉर्ट के साथ। और वैसा ही हुआ, सिर्फ एक पार्ट फेयर के अंदर नहीं आया, बट दूसरी पार्ट फेयर फेंकी तो उसके अंदर वो आ गया था। दो पार्ट फेयर के अंदर अंदर हमने इसको निपटा दिया और हमारी वीडियो एकदम मस्त रूप से स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर हो ही चुका था अपने पहले बॉस को हराने के बाद, मैंने सोचा आज एक पेंकिंग से भी पंगा ले लिया जाए। लेकिन पेंकिंग के साथ साथ उसके छोटे छोटे पेंगुलर पीस है जो बीच में बहुत तंग कर रहे थे। हालांकि ये पेंकिंग की एचपी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी वो हमारे पीछे ही पड़ा रहता था, हमको मारने के पीछे आ जाता था और हमारा रिलैक्स हो जाता, ठुमक ठुमक करके आ रहा था। लेकिन तब तक मैंने सोचा कि ये पेंगुलर्स को उड़ा लूँ और पेंगुलर्स को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि कूलर बॉक्स को फ्रीज करने का अच्छा काम करते हैं ये पेंगुलर। तो मैं इनसे भिड़ने लग गया और हमारा रिलैक्सोस और हमारे पेंकिंग से भिड़ रहा था। काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलने के बाद और मैंने रियलाइज़ करा कि हमारा रिलैक्सोस और तो ठिलने वाला है और उसको चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत आ पड़ी। और मैंने अपने रिलैक्सोस और को बुलाने के बाद अपनी एज़्यूर फेंकी जो हमने लास्ट वीडियो में कैप्चर करी थी, और थोड़ी सी एचपी बची थी पेंकिंग की और मेरे को लग रहा था उसको कैप्चर करना बहुत ईजी हो गया है, हमारे पास पास फेयर्स की कमी कुछ भी नहीं थी और आराम से उसको पकड़ लेते। लेकिन ये हारने वाली पार्टी है ही नहीं, ये हार मानता ही नहीं है। और मैं बहुत देर तक पेंगुलेट को मारता रहा, मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो सिर्फ 46 एचपी पे आ गया, अब इसको पकड़ने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और फट से जो मेरे पास लास्ट में वैसे बची हुई थी अपनी जेब में, वो फेंक के उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन उसका ये छोटा बच्चा पेंगुलेट अभी तक तंग करे जा रहा था, तो ये भी अगर जेब में आता था तो बहुत बढ़िया ही हो जाता ना। मतलब वीडियो के आखिर में मेरे को एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला और मैंने सोचा अपनी जेब का जो भी फालतू का सामान है एक बार ज़रा बेच के तो देखूँ इससे पैसा कितना आता है। और मैंने उसको पता नहीं क्या क्या बेच दिया। और थोड़े बगल में ही बैठा हुआ था ये पैल ट्रेनर जो पैल खरीदता बेचता था, मतलब पैल्स के लिए। तब मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे को एक यूनिवोल्ट करके जो भी पैल था वो मेरे पास था नहीं और मैंने वो ख़रीद लिया। तो मेरे को मतलब एक पैल अगर फ्री में मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है फिर। अब उसी डेजर्ट के पास से हम आए एबिसल नाइट्स के अंदर एक और बॉस से लड़ने के लिए। अब जब हम शुरू में बॉस से लड़े हैं तो वीडियो के एंड में भी एक बॉस से लड़ लेते हैं। और यहाँ पे था 23 लेवल का फेल बैट जिसके साथ उसके कोई बच्चे बच्चे नहीं थे। ये फेल बैट बहुत ही कमाल का पहल है क्योंकि ये काम वाम करने में शायद बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर हमने छोड़ दिया अपना रिलैक्सोस और जो इसको ठीक ठिकाने लगा देता क्योंकि उसकी एच पी 2000 के भी नीचे है। हमने पेंगुलेट को हरा दिया, चिलेट को हरा दिया, ये फेलबेट क्या ही चीज़ है। तो बस ये घमासान यूँ चलता रहा जिसमें धीरे धीरे करके हमारे रिलैक्सोस और उसके ऊपर वार करते रहे। और मेरे पास सिर्फ एक मेगा स्फीयर थी, वो भी मेरे को पता नहीं कहाँ रास्ते में कहीं से मिल गई थी क्योंकि मैं बेस तो गया नहीं था अपने वापस। लेकिन इसके साथ रिलैक्सोस और थोड़ा ढीला पड़ गया और उसको खाने की भूख भी लग गई। और मैंने रियलाइज़ करा कि भाई मेरे को अपने पैल को बदल देना चाहिए। तो मैंने नया डिजिटॉइस पकड़ा था जो माइनिंग एक्सपर्ट है, तो वो अपने डिजिटॉइस का पूरा इस्तेमाल करते हुए धराधन एच पी लूट ली फेल बैट के लिए। और ये फेल बैट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक पैल से इसका हो नहीं पा रहा था तो हमें उसके ऊपर अलग अलग पैल छोड़ने पड़े। हालांकि डिजिटॉइज इससे अच्छी तरीके से लड़ रहा था बट डैमेज के मामले में डिजिटॉइज के ऊपर ये भारी पड़ रही थी। मेरे को तो सिर्फ बचना बचाना था क्योंकि ये फेल बैट मेरे को मारती तो मेरे को दिक्कत होती। और इसके साथ साथ हमें डिजिटॉइज बदल के अपना एक सर्पेंट निकालना पड़ा। सरफेंट हमने पकड़ा था जब हम जॉर्मोंटाइड से लड़ने गए थे, वो बहुत ही गंदी तरीके से ठिल गए थे। देख रहे थे कि सरफेंट में आखिरकार ताकत है कितनी, आखिर वो भिड़ने के लायक है कि नहीं है। और इतने गंदे गंदे अटैक देखने के बाद जो आधे मिस हो गए, थोड़े बहुत से लग गए, एक ही अटैक में सरफेंट की तो जान ही निकल गई। फिर हमने वापस अपने रिलैक्स और को निकाल के भेज दिया जो होपफुली अब उसको मार देता। अच्छे से उनकी पेट पूजा करवा दी कि भाई जल्दी जल्दी हेल्थ रिकवरी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और हमारे पास कुछ ज़्यादा खास पास तो थे नहीं, नाइट विंग तो क्या ही मारेगा किसी को, डिजिटॉय सब कुछ फेंक चुके थे लेकिन कोई भी पैर ऐसा नहीं था जो उसको अकेला मार सके। और ऊपर से दिक्कत की बात ये थी कि मेरे पास फियर भी सिर्फ एक ही है कि मेरे को एक ही चांस में उसको पकड़ना है कैसे भी ना कैसे करके। लेकिन इसकी एचपी इतनी धीरे धीरे जाएगी तो मैं उसको पकड़ूंगा कैसे।
बस बीच में एक चीज इतनी अच्छी हुई कि इसको एक फायर वाला अटैक लग गया जिससे इसकी एचपी लगातार जाती रही, और ये देख के मेरे को लगा कि भाई अब तो मैं इसको कैप्चर कर ही लूंगा। और रिलैक्सोसॉर के साथ ये भिड़ ही रहा था टाइम टू टाइम, लड़े जा रहे ये फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मैं इसको कैप्चर कर पाऊँ। और ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अपना मेगा स्फीयर इसके ऊपर लुढ़का दिया। मतलब इतना गंदा मैंने मिस करा ऊपर से इसके ऊपर, जब एचपी इसकी 500 थी तो मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरे को वेट करना चाहिए था कि इसकी एचपी गिर के आ जाए बहुत नीचे तो मैं इसको पकड़ूँ। और लगातार बस इनकी लड़ाई चल रही थी, उसकी एचपी धीरे धीरे कम आ रही थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ पैल्स फेयर बचे थे पूरी लड़ाई में, तो मेरे पास अभी पैल्स की कमी नहीं है जो इससे लड़ सके। बट दिक्कत यह है कि मैं इसको पकड़ने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि 23 लेवल का है, 23 लेवल के पैल्स को पकड़ने के लिए आपके पास एक मेगा स्फीयर होना ज़रूरी है, वरना चांसेस बहुत कम है। लेकिन नहीं, पेडल पैड को भी चैन नहीं है कि ये हमें छोड़े नहीं है, हम भाई जो पैल से लड़ रहे हो आप वहाँ पे ध्यान दो ना, हमारे पीछे क्यों पड़ना है आपको, शांति से अपनी लड़ाई करो। और फिर तो मैं रोका ही नहीं, फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं इसके ऊपर धड़ाधड़ स्फीयर फेंकते जाऊँगा, 5% का चांस क्यों नहीं हो, जितने परसेंट का होगा मैं लूँगा और इसको पकड़ के ही छोड़ूंगा। और अब मैंने गलती ये कर दी कि मैंने रिलैक्सोसॉर निकाल दिया इसको, जो इसको गलत ही डैमेज देने वाला था, क्योंकि रिलैक्सोसॉर के अटैक्स पावरफुल है, और मेरे को निकालनी चाहिए थी नाइट विंग। फिर मैंने थोड़ी देर में रियलाइज़ करा जब इसकी एचपी सिर्फ 200 बची। अब सबसे ख़तरनाक चीज़ ये हो गई कि जब इसकी एचपी 60-40 पे आ गई है, तब भी मेरा एक पैल बाहर है, मेरे को पैल को अंदर रखना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक अटैक एक झोंके से भी ये मर जाता। मैंने एंड में नाइट विंग निकाली, नाइट विंग मैंने इसलिए निकाली कि गलती से ये मेरे को ना मारे, बट अभी के लिए जब 26 एचपी थी मेरा इतनी इंटेंस फाइट में तो मेरा ध्यान गया नहीं। और फिर देखो तुम आखिर में होता क्या है, मैं इसके ऊपर इतने स्फीयर फेंके जितना जो पॉसिबल हुआ वो करा, और इसका एक अटैक आके मेरे को लग गया, और ऐसा लगा कि जैसे ही ये गया वैसे ही मैं भी गया। अब गाइस अगर तुम इतनी देर तक बने रहे हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हालांकि गेम प्ले तुमको इतना खास अच्छा नहीं लगा, बट कर दो,